सबसे पहले बात कर लेते हैं आज से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे फेज की। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज की आज से शुरुआत होने जा रही है और सुबह 11 बजे से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण और सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। 8 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र, ये जानकारी है। तो सुबह 11 बजे से ही सामान्य जो वक्त होता है उसी में बजट सत्र का दूसरा चरण संचालित होगा और ये बड़ी खबर आपके सामने है। संसद के दूसरे बजट सत्र के दूसरे चरण का आज से आगाज होने जा रहा है और किस तरीके से ये पूरा सत्र चलेगा उसी पर लगातार नजर होगी। सत्ता पक्ष की अपनी क्या तैयारी है, विपक्ष की अपनी क्या तैयारी है, किन किन मुद्दों को लेकर घेरने की रणनीति बना रहा है विपक्ष, इस पर भी लगातार नजर है और जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की अपनी क्या तैयारी है इसको लेकर भी लगातार नजर रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बलराम पांडे दिल्ली से जुड़ चुके हैं, क्योंकि बलराम आज संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर विपक्ष आज हमलावर रह सकता है सत्ता पक्ष पर, कब से इसकी शुरुआत होगी, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत है, सुबह 11 बजे से सत्र शुरू हो जाएगा, शाम 6 बजे तक सत्र चलेगा। अगर हम बात करें बजट सत्र की तो इसको देखते हुए डीटीसी बसों के रूट को भी 3 सप्ताह के लिए डाइवर्ट किया गया है, साथ ही बजट सत्र में कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन होगा। इसके अलावा जो बजट सत्र है वो 8 अप्रैल तक चलेगा। अगर हम बात करें विपक्ष की तो विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, चाहे वो यूक्रेन का मुद्दा हो या फिर महंगाई बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष है वो सदन में सवाल उठा सकता है, लेकिन सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार ने अपील की है विपक्ष से कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलने दे, क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले। और सरकार ने यह भी कहा है कि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब वो देगी, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से सदन चले इसकी जिम्मेदारी हम दोनों की है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के हार का सामना करना पड़ा है विपक्ष को, उसको लेकर के विपक्ष भी काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है और यही वजह है कि वो सरकार को सदन में घेरने की पूरी कोशिश करेगा और यही वजह है ये माना जा रहा है कि आज सदन की शुरुआत में हंगामा देखने को मिल सकता है, सदन हंगामेदार हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने पूरी तैयारी की है उसको देख करके ये लगता है कि विपक्ष के सभी सवालों का शांतिपूर्ण ढंग से जवाब देने के लिए सरकार वचनबद्ध है और उसने विपक्ष से अपील भी की है कि वो जो भी सवाल है, जो भी वो सदन में अपने सवाल पुटअप करना चाहती है वो शांतिपूर्ण ढंग से करे, सरकार एक एक सवाल का जवाब देगी और सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलने दिया जाए। आपको बता दें कि शांतिपूर्वक तरीके से चले यही कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष की होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।